हेलो एवरीवन, आज हम लोग कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 198 के अंदर ऑर्डर 33 को समझेंगे। ऑर्डर 33 डील करता है सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन। तो इसको सबसे पहले हम लोग सरल सी भाषा में समझ लेते हैं कि इंडिजेंट पर्सन होता कौन है। इंडिजेंट पर्सन वो व्यक्ति होता है जो जिसकी इतनी माली हालत नहीं होती है, जो पैसे से इतना कमजोर होता है कि वो कोर्ट की फीस नहीं दे सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंडिजेंट पर्सन। तो उसी के ऊपर ये ऑर्डर 33 डील करता है। ऑर्डर 33 रूल 1 डिफाइन करता है कि इंडिजेंट पर्सन कौन है। ये कहता है इंडिजेंट पर्सन वो व्यक्ति है जिसके पास जिसकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो कोर्ट की फीस दे सके, या वो व्यक्ति जहां पे कोर्ट फीस नहीं प्रिस्क्राइब की गई है, जो 1,000 रुपए की प्रॉपर्टी तक के लिए एंटाइटल ना हो, पर इनके अंदर उन प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जो प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है एग्जीक्यूशन में, अटैचमेंट के एग्जीक्यूशन से एग्जेम्प्ट है, जो सेक्शन 60 के अंदर दी गई है कुछ प्रॉपर्टीज की जिनको अटैच नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज आती हैं जैसे जो जरूरी रोजमर्रा की चीजें होती है पहनने के लिए, खाने पीने के लिए। तो ये बताता है कि इंडिजन पर्सन उस व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे। अब इसके अंदर और कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये बताता है कि अगर जैसे कोई व्यक्ति ने, मान लीजिए इसके लिए आवेदन दिया जाता है पहले न्यायालय के अंदर कि मैं इंडिजेंट बन के अप्लाई करना चाहता हूं सूट, यानी जो व्यक्ति जो अपने आप को गरीब कहता है, पहले वो सूट से पहले इस चीज की एक आवेदन देगा न्यायालय के अंदर कि मैं एज अ इंडिजेंट पर्सन जो है इस वाद को चलाना चाहता हूं। तो कोर्ट के पास एप्लीकेशन जाती है, कोर्ट देखती है उसको और सारी चीजें जांच पड़ताल होती है। उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है हाँ ये आदमी गरीब है तो कोर्ट उसको इजाजत देती है। तो अगर मान लीजिए उसने कोई आवेदन दिया न्यायालय के अंदर, आवेदन दिया, उसी के बीच में उसको डिसाइड होने से पहले कि वो आदमी गरीब है या नहीं है न्यायालय से, उसके बीच ही में उसने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया, तो न्यायालय इसको भी कंसिडर करेगी इस चीज के देखने के लिए कि क्या ये पर्सन इंडिजेंट है या नहीं है। अब इसका रूल 2 डील करता है कि कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो कंटेंट्स होंगे उसका, जो आवेदन देगा उसके क्या क्या कंटेंट्स होंगे। एक चीज तो ये होगा कि जो प्लेंट के अंदर होता है, नॉर्मली जो प्लेंट होती है उसके अंदर जो पार्टिकुलर्स होते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर रहेगी। और जैसे जो पर्सन, जो व्यक्ति जो है जिसने आवेदन दिया है कि वो एज एन इंडिजेंट पर्सन फाइल करना चाहता है सूट को, उसके पास जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होंगी, यानी उसकी चल और अचल संपत्तियां जो होंगी, उसके बारे में जो है वो उस एप्लीकेशन के अंदर लिखेगा, उनकी क्या वैल्यू है वो भी उसके अंदर लिखेगा, प्लस उसके अंदर वो अपनी सिग्नेचर करेगा, वेरीफाई करेगा, जो प्लीडिंग के लिए रूल है ऑर्डर 6 रूल 14 एंड 15 के अंदर, उसी तरीके से पूरा ये कंटेंट्स रहेगा, यानी उसको साइन करेगा और वेरीफाई करेगा। फिर इसके बाद आता है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन रूल 5 में। अब न्यायालय के पास भी ये पावर है कि न्यायालय अगर उसको देखता है, न्यायालय को लगता है कि ग्राउंड नहीं बन रहा है या वो आदमी ऐसा इंडिजेंट नहीं कर सकता है, तो न्यायालय जो है उसके इस आवेदन को रिजेक्ट कर सकता है। अब कौन कौन से ग्राउंड है जिसमें न्यायालय जो है उसके आवेदन को रिजेक्ट कर सकता है, कई ग्राउंड है जिसपे बिना पे जो है न्यायालय उसके आवेदन को रिजेक्ट कर सकता है। एक तो मान लीजिए कि उसने जो सूट, जो एप्लीकेशन है जो है उसको सही से फ्रेम नहीं करके, जिस तरीके से कानूनी तरीका है उस तरीके से उसको फ्रेम करके प्रेजेंट नहीं किया है, या वो व्यक्ति जो है इंडिजेंट नहीं है, या उस व्यक्ति ने आवेदन देने से 2 महीना पहले कोई प्रॉपर्टी को, कोई संपत्ति को डिस्पोज ऑफ कर दिया इस मकसद से ताकि उसको कोर्ट के अंदर ये इजाजत मिल जाए कि वो एज एन इंडिजेंट पर्सन, एज अ गरीब आदमी शख्स बन के जो है वाद को कंटिन्यू कर सकता है, या जहां पे कोई कॉज ऑफ एक्शन ही ना बन रहा हो, यानी जो वाद वो लेके आ रहा है उसके अंदर कोई कॉज ऑफ एक्शन ही ना बन रहा हो, या जो एप्लीकेंट है यानी जिसने आवेदन दिया है वो किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेता है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ समझौता कर लेता है, जिसमें जिस व्यक्ति के साथ समझौता करता है वो उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर कुछ इंटरेस्ट एक्वायर कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी के साथ ये समझौता कर लेते हैं कि हम 2 महीने के बाद तुम्हें अपनी संपत्ति जो है बेच देंगे, यानी एग्रीमेंट कर लेते हैं, एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं उसको। अब उस व्यक्ति का तो हमारी संपत्ति में इंटरेस्ट आ ही गया, उसने इंटरेस्ट ऑप्टेन कर लिया, तो अब न्यायालय इस चीज को देखेगी कि अब वो व्यक्ति 2 महीने बाद इसका ओनर बन जाएगा, तो अब इस व्यक्ति को हम कैसे इंडिजेंट ट्रीट करें जब 2 महीने बाद दूसरा व्यक्ति बन जाएगा, तो इस केस में भी न्यायालय उसको रिजेक्ट कर सकती है। या किसी के साथ उसने समझौता कर लिया, जिस व्यक्ति के साथ समझौता किया उसने कहा कि वाद में जितने भी खर्च आएंगे हम पूरा खर्च बेयर करेंगे, इस तरीके का कोई मामला होगा तो भी कोर्ट जो है रिजेक्ट कर देगी। या जो वाद अगर किसी और कानूनी तरीके से बार्ड हो जाता है तो भी न्यायालय उसको रिजेक्ट कर देगी। और रूल 8 इसका कहता है कि एक जैसे कोर्ट का कोई
चीफ मिनिस्टेरियल ऑफिसर जो होगा वो इसके पीछे इंक्वायरी भी कर सकता है कि क्या वो व्यक्ति सही में गरीब है या नहीं है। वो अपनी इस रिपोर्ट को न्यायालय में सौंप देगा, न्यायालय उसको एक्सेप्ट करे या ना एक्सेप्ट करे, या न्यायालय खुद से जो है इसकी इंक्वायरी कर सकता है। और अगर एक बार उसने एक्सेप्ट कर लिया न्यायालय ने, तो वो उसको बुला के जो एप्लीकेंट है उसको एग्जामिन भी कर सकता है इस चीज के लिए। और अगर एक बार उसको परमिशन मिल जाती है, अगर एक बार उसके एप्लीकेशन को परमिशन मिल जाती है यानी उसका सूट एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि हाँ वो एज एन इंडिजेंट पर्सन जो है कंटिन्यू कर सकता है, तो रूल 8 और रूल 9A में बताया गया है, तो वो सूट जो है वो इसी तरीके से चलेगा जैसे नॉर्मल और दूसरे सूट चलते हैं। जिस तरीके से और जो प्लेंट चलने का जो तरीका है प्लेडिंग का, वो पूरा उसी तरीके से चलेगा। बस इसमें यही रहेगा कि प्लेंटिव को कोर्ट फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर न्यायालय को ये भी लगता है कि जो व्यक्ति गरीब है, जिस एज एन इंडिजेंट जो है सूट को कंटिन्यू कर रहा है, उसको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यानी उसको कोई वकील नहीं मिल पा रहा है कि उसको न्यायालय में रिप्रेजेंट करे, तो न्यायालय जो है उसको वकील भी अपॉइंट कर सकता है। तो ये तो तब होगा जब उसको परमिशन मिल जाएगी। जब परमिशन उसको रिजेक्ट हो जाएगी, तो उसको कोर्ट न्यायालय आदेश करेगा कि तुम उसकी जो फीस जो है जो बन रही है कोर्ट फीस, उसको तुम जमा करो। अब रिवोकेशन ऑफ परमिशन, यानी जो न्यायालय ने उसको इजाजत दिया है एज एन इंडिजेंट फाइल करने की, उसको न्यायालय जो है खत्म भी कर सकता है, रिवोक भी कर सकता है। वो किस केसेस में करेगा? रूल 9 के अंदर बताया गया है। जब मान लीजिए कि अगर उसका जो जिस बने से जिस वजह से उसने वाद दाखिल किया, उसमें कहीं ना कहीं उसकी वजह जो है गलत है, वेक्सेशियस है, कहीं ना कहीं हैरेस करना चाहता है सामने वाली पार्टी को, इस तरीके का कोई मकसद है उसका, तो उस मामले में जो है कोर्ट जो है उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकती है, रिवोक कर सकती है। या वो व्यक्ति जो है उसके पास संपत्ति थी लेकिन उसने उसको जाहिर नहीं करा, या उसके पास और कहीं छुपी हुई प्रॉपर्टी थी उसके पास, मतलब वो दे सकता है कोर्ट फीस, उस मामले में भी कोर्ट जो है उसको रिजेक्ट कर देगी। या जिसके ऊपर हम बता चुके हैं, अगर वो किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेता है, समझौता कर लेता है इस चीज की, जिससे दूसरा कोई व्यक्ति जो है उसकी संपत्ति में इंटरेस्ट एक्वायर कर लेता है। अब रिकवरी ऑफ कोर्ट फीस, यानी अब कोर्ट की फीस देगा कौन फिर? तो अगर जो व्यक्ति है, जो प्लेंटिव है, अगर प्लेंटिव जीत जाता है, अगर प्लेंटिव जीत जाता है उस वाद को, तो न्यायालय डिसाइड करेगी कि कौन सी पार्टी जो है उसका खर्च देगी, उसको गवर्नमेंट वसूल करेगी। अगर प्लेंटिव हार जाता है, तो न्यायालय आदेश कर देगी कि पैसा जो है प्लेंटिव को ही देना पड़ेगा। और अपील के लिए इसमें, कि अगर इसमें कोई ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप अपनी आवेदन नहीं दे सकते हैं एज एन इंडिजेंट पर्सन, तो ये ऑर्डर जो होगा ये अपीलेबल होगा, आप इसको अपील कर सकते हैं। एक एक पॉइंट है इसके अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताने वाला, कि एक केस था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, खदेड़ इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन का, 2001 में सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ज्यूरिस्टिक पर्सन हो, जो ज्यूरिस्टिक पर्सन को भी ये इंक्लूड करता है, यानी जो ऑर्डर 33 रूल 1 के अंदर जो पर्सन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये ज्यूरिस्टिक पर्सन को भी इंक्लूड करता है, यानी कंपनी या कॉरपोरेशन, वो भी एज एन इंडिजेंट जो है सूट फाइल कर सकती है। तो ये हम लोगों का ऑर्डर 33 जो है कंप्लीट हो गया है कि सूट बाय इंडिजेंट पर्सन।